तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिनमें से एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है और जो टेन इनवर्स एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसका मतलब सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसका मतलब कि ये सिक्वेंस में पहले आ रहा है तो इसे फर्स्ट एज्यूम करेंगे और ये एल्जेब्रिक है सिक्वेंस में बाद में आ रहा है, ठीक है, इस वाले सिक्वेंस में, तो इसे सेकेंड एज्यूम करेंगे। बाई पार्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका, दैट इज फर्स्ट दैट मीन्स टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का मतलब टेन इनवर्स एक्स हो गया और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है, एंड देन डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफ्रेंशिएशन वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का और इसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा डी एक्स, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे एडजस्ट करते हैं हम लोग। पहले तो इस टू को हम बाहर कर देते हैं, कॉन्स्टेंट है, और ये एक्स स्क्वायर जो इतना दूर लिखा हुआ है इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए अगर हम ऊपर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर यहाँ पे वन ऐड कर लें, ठीक है, वन हम अगर ऐड कर लेते हैं तो वन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज होगा। ये हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट हम लोग प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे सेम डिनोमिनेटर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ काफ़ी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। खैर यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस स्क्वायर कट के वन आ जाएगा, है ना, तो ये सिंपल आपका वन डी एक्स हो गया। और वन का इंटीग्रल क्या होता है आपका एक्स होता है, तो ये हो गया आपका एक्स माइनस, ये देखिए ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है टेन इनवर्स एक्स, तो ये टेन इनवर्स एक्स हो गया और प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। इधर कॉपी कर लीजिए, पहले इंटीग्रेट हो चुका था, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी था आपका एक्स स्क्वायर बाई टू या वन बाई टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब फाइनली आप क्या कर सकते हैं कि tan इनवर्स x यहाँ भी है और tan इनवर्स x यहाँ भी है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं हाफ का, तो हाफ का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हाफ आ जाएगा और यहाँ पे देखिए कोफिशियंट रहेगा ही रहेगा। अब देखिए tan इनवर्स x के कोफिशियंट हम कलेक्ट कर लें, एक ही जगह लिख दे, तो यहाँ से tan इनवर्स x से क्या कॉमन हो रहा है वन बाई टू tan इनवर्स x कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो फाइनली आ जाएगा वन बाई टू tan इनवर्स x कॉमन कर लेते हैं, अंदर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वहाँ से आ जाएगा प्लस का वन और फिर माइनस का वन बाई टू एक्स हो जाएगा प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, दैट इज़ फाइनल आंसर।